महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ऐसे फंसे हैं कि उन्होंने अयोध्या जाने का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। उद्धव 24 नवंबर को अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में तो शिवसेना की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में से जो खबरें आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सियासी गलियों में जद्दोजहद जारी है। इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 24 नवंबर को अयोध्या जाने का फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि वो 24 नवंबर को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना का अहम रोल रहा है। बाला साहेब ठाकरे बड़े ही गर्व से ये बात कहा करते थे कि बाबरी मस्जिद को गिराने में काफी संख्या में शिव सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस साल जून में उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने अयोध्या का दौरा किया था और रामलला विराजमान में प्रार्थना की थी। इसके अलावा पिछले साल भी उद्धव ठाकरे ने अयोध्या की यात्रा की थी, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उद्धव ठाकरे का वहां जाना काफी स्वाभाविक था। सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने का फैसला क्यों रद्द कर दिया। हालांकि शिवसेना के नेता ये दलील दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया में समय लग रहा है। तीनों दलों यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लगातार बैठकें कर रहे हैं। सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इन सब राजनीतिक गतिविधियों की वजह से उद्धव जी को फिलहाल अयोध्या दौरा स्थगित करने का फैसला किया है। कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के इस फैसले के पीछे सुरक्षा भी एक बड़ी वजह है। सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अयोध्या जाने की योजना बना रहे राजनेताओं को इजाजत देने की मना कर चुकी हैं। इन दोनों दलीलों में दम नहीं है, क्योंकि शरद पवार सोनिया गांधी से मिलने के बाद ये साफ कर चुके हैं कि शिवसेना के साथ न कोई समझौता हो रहा है और न ही कोई मीटिंग होगी। जहाँ तक बात सुरक्षा की है तो सुब्रमण्यम स्वामी 23 नवंबर को अयोध्या जा रहे हैं, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी है। इससे साफ हो जाता है कि अयोध्या के प्रोग्राम को रद्द करने की वजह कुछ और ही है। दरअसल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए विचारधारा से समझौता करने को तैयार हो गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी को शिवसेना ने ये आश्वासन दिया है कि अगर सरकार बनती है तो वह हिंदुत्व के मुद्दे से पार्टी को अलग कर लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ये चाहती है कि गठबंधन के लिए राजी होने से पहले शिवसेना अपने कट्टर हिंदुत्व को छोड़े और कई मुद्दों पर धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाए। और अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे तो भगवा ध्वज लहराया जाएगा, शिव सैनिक जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे, हिंदुत्व की भी बात होगी, बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने में शिवसेना की रोल की भी चर्चा होगी। ऐसे में शिवसेना का कट्टर हिंदूवादी चेहरा फिर से सबके सामने आ जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने का फैसला रद्द कर दिया है। वैसे तो मीडिया को बताया गया है कि जल्द ही अयोध्या जाने की तारीख का ऐलान होगा, लेकिन राजनीति के जो हालात हैं उसमें उद्धव का अयोध्या जाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने की तारीख टाल दी है, उसी तरह कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना से बातचीत के कार्यक्रम को टाल दिया है। सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात तो हुई, लेकिन शिवसेना को समर्थन देने के मामले पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। मतलब साफ है, जो नेता या दल सत्ता के लोभ में, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की चाहत में अपने विचारधारा छोड़ देते हैं, उन्हें हर कोई शक की निगाह से देखता है। फिलहाल यही हाल शिवसेना के साथ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।